एक सीएस एस्पिरेंट से सीएस बनते देखा है आपने, एक स्टूडेंट से एजुकेटर बनते देखा है आपने, एक छोटे शहर की लड़की जिसने आपके साथ उसके डबल एक्सएल साइज के ड्रीम्स पूरे किए हैं, एक ऑर्डिनरी लड़की को ऑल इंडिया रैंक लाते देखा है आपने, एक ऑल इंडिया रैंकर को अटेम्प्ट लगते देखा है आपने, एक अटेम्प्ट लगने वाली स्टूडेंट को सीएस पास करते देखा है आपने, क्योंकि हर बार साथ दिया है मेरा आपने, तो हक बनता है आपका भी मेरी जर्नी जानने का। तो ये कहानी की शुरुआत होती है 12th स्टैंडर्ड से, जब वेकेशंस चल रहे थे और मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मुंबई की टॉप 5 कॉलेजेस में अप्लाई करूंगी, जहां नंबर लग जाता है वहां पर ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन ले लूंगी। बताया मम्मी पापा को कि ऐसा ऐसा सोचा है मैंने, लेकिन वहां पर ही मम्मी पापा ने मना कर दिया कि नहीं, इतने दूर नहीं जाना है। उसके बाद मैंने उनको कन्विंस करने की कोशिश की और कहा कि ठीक है, सारी 5 कॉलेजेस नहीं बल्कि जो टॉप 1 कॉलेज है उसमें अगर मेरा नंबर लग जाता है तो आप मुझे जाने देना। मम्मी पापा ने कहा ठीक है, पहले रिजल्ट तो आने दो, फिर देखेंगे। और ऐसे ही देखते देखते रिजल्ट आ गया, और रिजल्ट आया कुछ ऐसा, 89.33% मिले। और बस अपन ने अपनी जिद पे अड़े रहे। ऐसे ही मैंने वो कॉलेज में अप्लाई किया जो मुंबई का टॉप 1 कॉलेज था, नरसी मुंजी कॉलेज, तब के टाइम में, हमारे टाइम में टॉप 1 कॉलेज था वो। वहाँ पर मैंने अप्लाई किया, वहाँ पर हम लोगों ने कॉलेज देखा, मम्मी पापा को खूब पसंद आया। लेकिन जैसे ही हॉस्टल और ये सारी चीज़ें देखी, वहाँ का कल्चर देखा, तो हर पेरेंट की तरह मेरे भी पेरेंट्स को डर बन गया कि इतने जल्दी जा रही है हमारी बेटी तो कर पाएगी या नहीं, कोई साथ में भी नहीं है, हॉस्टल में अकेले रहना, इतना सारा ट्रैवल खुद से करना अभी के लिए बहुत ज़्यादा हो गया। और जब हमने हॉस्टल देखा तो फिर तो डिसाइड ही हो गया कि यहाँ पर तो पढ़ना है नहीं, अगर पढ़ना है तो कोई और कोई शहर में पढ़ सकते, लेकिन मुंबई तो नहीं ही। तब अपन को ऐसा लगता है कि क्या यार क्यों, और तब मुझे भी यही लगा था कि ओपन कैटेगरी में मेरा नंबर लग चुका था, कैन यू इमेजिन। और उसे मना करना, मतलब जिन स्टूडेंट्स को वहाँ सीट नहीं मिलती वहाँ मुझे सीट मिल रही है और मुझे इसको मना करना पड़ रहा है। लेकिन मम्मी पापा की भी बात सही थी तो हमने अग्री कर लिया और वहाँ पर से हम वापस हमारे शहर आ गए। बहुत अपसेट थी अनडाउटेडली कि अब क्या करूँ कैसे करूँ। तब मैंने सोचा था कि ये ग्रेजुएशन के साथ साथ मैं सीएस करूँगी, तो सीएस करना था, ये तभी से मेरा डिसाइडेड था। लेकिन बस फ़र्क उतना था कि मुझे बड़ी कॉलेज में जाकर, बड़े शहर में जाकर करना था। बट द यूनिवर्स हैड डिफरेंट प्लान्स फॉर मी। स्पॉइलर अलर्ट, अगर मुंबई जाती तो पूरा ध्यान मेरा वो डिग्री कोर्स पे लग जाता, एक ग्रेजुएशन की डिग्री कोर्स पे, और इसके चलते सीएस फाउंडेशन में ऑल इंडिया रैंक नहीं एम करती। सो द फर्स्ट लेसन, रिजेक्शन इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। व्हेन यू वांट समथिंग देर आर ओनली 3 आंसर्स, यस, नॉट येट, हैव समथिंग बेटर। तो मुंबई से आने के बाद 2-3 महीने कुछ गुजरे और उसी में हमें समझ आ गया, मुझे भी और मेरे मम्मी पापा को भी, कि अकोला में जो होम टाउन से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पर कोई स्कोप नहीं है सीएस का, ना तो प्रॉपर गाइडेंस है ना तो प्रॉपर कोचिंग है, और मुझे जो पढ़ना है वो यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि तब ऑनलाइन कोचिंग नहीं हुआ करती थी। हुआ कुछ ऐसा कि मुझे एक कंपनी भी मिल गई और हमने डिसाइड किया नागपुर जाने का। मुझे एक ब्रोशर भी मिला एक कोचिंग का, जिसमें लिखा था कि क्या आप ऑल इंडिया रैंक लाना चाहते हैं, यू कुड बी द नेक्स्ट स्टूडेंट जिनका फ़ोटो वो पर्टिकुलर ब्रोशर के ऊपर आए। मैंने डिसाइड कर लिया कि यहाँ ये जो मिसिंग चेहरा है ना, ये जो यू कुड बी नेक्स्ट वाला जो चेहरा है, ये मुझे ही रहना है। बस वही कोचिंग हमने ज्वाइन की, मेरे साथ एक कंपनी भी थी, मेरी फ्रेंड भी थी, नागपुर में सिक्योरिटी भी थी क्योंकि अकोला के बहुत पास था ये शहर, इतना बड़ा भी नहीं है, इसीलिए मम्मी पापा थोड़े रिलीव थे, साथ साथ हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स भी रहते, और एक एडेड एडवांटेज, परफेक्ट, मेरे ड्रीम्स को एक उड़ान मिल चुकी थी, एकदम वो नई नई एक्साइटमेंट, 12th के बाद बाहर पढ़ने जाने की एक्साइटमेंट,
मम्मी पापा से दूर, घर से दूर कुछ नया करने की एक अलग ही जोश होता है कि पता नहीं अपन क्या ही कर लेंगे, अपन इतना अच्छा पढ़ाई करेंगे कि बस क्या ही बताएं, कि अपने पेरेंट्स कभी ये डिसीजन को रिग्रेट ही ना करें। तो वहाँ पर वीकली टेस्ट हुआ करती थी, जहाँ पर मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी वहाँ पर वीकली टेस्ट हुआ करती थी, और हर वीकली टेस्ट में अपन फर्स्ट ही आते थे। फर्स्ट थ्री मैं बोलना चाहूँगी, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स आई नो दैट आई हैव कम फर्स्ट। और ऐसे ही इवेंचुअली आगे चलकर अपन बहुत कंसिस्टेंटली पढ़े। अपन एवरेज स्टूडेंट थे, एकदम ही एवरेज स्टूडेंट थे, पर अपन कंसिस्टेंटली पढ़ते गए थे। तो बस वैसे ही मम्मी के बर्थडे के दिन रिजल्ट आया सीएस फाउंडेशन का, एंड यू वोंट बिलीव कि उन्हें गिफ्ट में क्या मिला, कि उनकी बेटी को ऑल इंडिया रैंक आया है। और तब ये कितनी बड़ी बात होती है, माय गुडनेस, कि जब सिर्फ पास होने की एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे थे वहाँ पर अपनी बेटी ने ऑल इंडिया रैंक ला लिया है, मतलब क्या ही बोले। कहते हैं ना, जो लोग मेहनत का साथ नहीं छोड़ते, किस्मत कभी उनका हाथ नहीं छोड़ती। तो बस अब आ जाते हैं हम लोग एग्जीक्यूटिव के ओर। एग्जीक्यूटिव वॉज वे मोर डिफिकल्ट देन सीएस फाउंडेशन। अगर सीएस फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट है तो एग्जीक्यूटिव में 8 सब्जेक्ट्स थे, और हमारे ही टाइम से नया सिलेबस आया था जहाँ पर फर्स्ट टाइम हमारा 3 MCQ पेपर हुआ था, जो अभी आप लोगों को है वही वाले 3 MCQ पेपर, नए एकदम ही ज़्यादा न्यू था। तो हमारे पास कोई भी ऐसा रेफरेंस मटेरियल नहीं था जिसको हम रेफर करके एग्ज़ाम दे सके। और फिर अब जब ऑल इंडिया रैंक आ जाता है तो कॉन्फिडेंस थोड़ा ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाता है। ऐसे लगता है फाउंडेशन कर लिया, एग्जीक्यूटिव भी कर लेंगे। बस 3 महीने पहले, एग्ज़ाम के 3 महीने पहले मुझे ये रियलाइज़ होता है कि मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, ना मेरी कोचिंग पूरी हुई थी ना मेरी पढ़ाई अच्छे से हुई थी। क्योंकि होता है ना थोड़ा कि कर लेंगे, हो जाएगा, लीनियंट बिहेवियर होता है, काफ़ी ज़्यादा लीनियंट बिहेवियर आई वुड से। बस एग्ज़ाम के 3 मंथ्स पहले अपन ने लेकिन डिसाइड कर लिया कि देखो देना है तो दोनों ग्रुप देना है, नहीं तो कुछ भी नहीं देना है। भले जो हुआ वो हुआ, 2 सब्जेक्ट्स की कोचिंग तब भी बची थी मेरी, लेकिन आई वॉज क्वाइट फर्म कि ये 2 सब्जेक्ट्स मैं खुद से पढ़ लूँगी, मुझे नहीं करनी है कोचिंग, अगर कोचिंग करने गई तो मेरी सेल्फ स्टडी डूब जाएगी। तो मैंने बस डिसाइड किया, नागपुर से फिर से होम टाउन आ गई और मम्मी पापा को समझा दिया कि मैंने कुछ भी पढ़ाई अभी तक की नहीं है, लेकिन अभी से मुझे मेरी सेल्फ स्टडी करनी है, तो मैं दिन रात एक करके पढ़ाई करना चाहती हूँ। और बस वो 3 महीने जम के अपन ने पढ़ाई की, खुद को ही खुद से ही समझाया, और तब समझ आया कि यार ये 2 सब्जेक्ट्स की तो ज़रूरत भी नहीं थी मुझे कोचिंग की। और वो पता है वो सब्जेक्ट्स कौन से थे? सिक्योरिटीज़ लॉ एंड कैपिटल मार्केट्स। कैन यू इमेजिन, SLCM जो आपका सब्जेक्ट है वो मैंने खुद से पढ़ा था, और एक सब्जेक्ट जो खुद से पढ़ा था वो था ILGL, जो जनरल लॉज और लेबर लॉज होते हैं वो उसमें हुआ करते थे। वो वाला सब्जेक्ट फिर भी ईजी था क्योंकि वो MCQ पेपर था। अब आ जाते हैं हम लोग एग्ज़ाम जब देते हैं तब, क्योंकि दोनों ग्रुप्स दे रहे हैं तो कंटिन्यूस पेपर होते हैं, एक पेपर ख़त्म हुआ कल दूसरा पेपर, फिर तीसरा पेपर, ऐसे 7 पेपर कंटिन्यूस देने पड़ते हैं, विच इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क दैट ऑल द स्टूडेंट्स फेस, जो स्पेशली बोथ ग्रुप्स देते हैं। तो यहाँ पर अपन ने भी वही सारे चीज़ों से डील किया, लेकिन तब एक चीज़ समझ आई कि यहाँ पर ना अपना विल पावर कैसा है उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, कि अपन कितने स्ट्रांग है। वो 7 रातें मैंने सोया ही नहीं था, मतलब हार्डली 2 आवर्स जितना सोई होगी मैं, बाकी का पूरा टाइम सिर्फ आज पेपर दिया, रिवाइज करो पूरी रात और फिर पेपर दो। क्या दीदी आपकी तबीयत ख़राब नहीं हुई? एब्सोल्युटली नॉट। 2-3 घंटे की नींद होती थी बस, उसके अलावा सिर्फ रिवीजन पेपर दो, रिवीजन पेपर दो। फिर भी जब एग्ज़ाम दे दी थी उसके बाद पता ही था कि पता नहीं पास होंगे या नहीं होंगे, डाउटफुल ही लग रहा था। लकीली एग्जीक्यूटिव वॉज माई कप ऑफ टी, बहुत ही ईजीली, बहुत ही स्मूदली रोल डाउन हो गया। बट आई वुड से कि इसमें कंसिस्टेंट मेहनत लगती है,
मैंने लास्ट 3 मंथ्स में दिन रात एक कर कर पढ़ाई कर कर पास किया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे ही स्टूडेंट्स कर सके। क्या पॉसिबल है? एब्सोल्युटली पॉसिबल है। अगर आप 6 महीने भी अच्छे से कोई चीज़ पे इन्वेस्ट करो ना, अपनी पूरी जान लगा दो ना, तो मैंने ये चीज़ सीखी है कि 5 साल भी कम पड़ जाते हैं, कभी कभी 6 महीने भी उतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाते हैं। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन अस, ऑन आर विल पावर एंड ऑन आर कैलिबर। ऑल राइट, अब हो चुकी हमारी एग्जीक्यूटिव की कहानी पूरी। और एग्जीक्यूटिव जैसे ही ख़त्म हुआ, जैसे ही पास हुए, उसके तुरंत बाद मैंने अपनी आर्टिकलशिप ज्वाइन कर ली थी, जो कि मुझे ऐसे लगता है कि मैंने गलती की, क्योंकि उसके वजह से मेरा प्रोफेशनल का अटेम्प्ट काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया और उसके साथ साथ अपन CS भी काफ़ी लेट बने। लेकिन द प्लस द एडवांटेज वॉज दैट कि जब तक मैं CS प्रोफेशनल में आई, उसके पहले मेरे इतने कॉन्टैक्ट्स बन चुके थे, इतनी सारी चीज़ें मुझे पता चल गई थी जो एक कंपनी में होती है, कैसे CS काम करते हैं, CS का क्या स्कोप होता है, क्या सैलरी होता है, क्या एवरेज सैलरी होता है, सारी चीज़ें, क्या वर्क एक्सपोजर होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में मुझे CS बनने से पहले, CS फाइनल का अटेम्प्ट देने से पहले ही पता चल चुकी थी। सो दिस वॉज एन एडेड एडवांटेज। थोड़ा बहुत हेल्प जब मैं CS की पढ़ाई कर रही थी, फाइनल की पढ़ाई कर रही थी, तभी भी हुआ था, क्योंकि नोटिस बनाना, मिनट्स बनाना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आर्टिकलशिप पीरियड में कवर हो जाती है। एनुअल जनरल मीटिंग लाइव देख चुकी थी, बोर्ड मीटिंग्स तो इतनी सारी हम लोग कंडक्ट कर चुके थे, तो उसका भी एक्सपोजर था। तो इट काइंड ऑफ गेट्स क्वाइट प्रैक्टिकल, क्वाइट रियल जब आप CS फाइनल के लिए पढ़ रहे होते हो। लेकिन फिर क्या CS फाइनल की पढ़ाई में ध्यान लगता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक बार हम ऑफिस में घुसे तो बस ऑफिस ऑफिस और ऑफिस ही दिखता है हम। नाउ लेट्स गेट इनटू माय CS फाइनल जर्नी, जो कि थोड़ी सी अप्स एंड डाउन्स के साथ थी। मैं CS फाइनल में आई तो बहुत ही ज़्यादा लीनियंट थी, क्योंकि मुझे पता था कि अभी तो आर्टिकलशिप ही चल रही है, तो एक दो अटेम्प्ट्स तो अपन ऐसे ही ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके बाद समझ आया कि CS फाइनल इतना भी आसान नहीं है। तो अपन ने पढ़ाई शुरू की, जम के पढ़ाई शुरू की। सुबह जाते थे क्लासेस, सुबह 7 बजे उठना पड़ता था, सब कुछ खुद का करो और फिर चले जाओ क्लासेस, क्लासेस के बाद ऑफिस, ऑफिस के बाद वापस क्लासेस। ऑफिस होती थी शाम को 7 बजे तक, और 7 बजे ही एग्जैक्ट दूसरी क्लास होती थी, और फिर 7 से 9:30 बजे तक वो क्लास रहती थी। फिर था क्या, अरे आओ PG में मेस का खाना खाओ और फिर थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई करो, मम्मी पापा से घर बात करो और फिर से सो जाओ, एंड दिस साइकिल गोज ऑन। तो द स्केड्यूल वॉज वेरी 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 हेक्टिक, वेरी टायरिंग, वेरी ड्रेनफुल आई वुड से, कि बस क्या कर रहे हैं हम, सुबह उठ रहे हैं, क्लासेस जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, क्लासेस जा रहे हैं, यही लाइफ बन चुकी थी कुछ महीनों तक। लेकिन फिर ये सोचा कि यार आगे चल के शायद वर्थ इट होगा। फिर आर्टिकलशिप से छुट्टी मिलती है, अपन पढ़ाई करते हैं करते हैं करते हैं, तभी भी क्लियर नहीं होता है, उसके बाद फिर से ये प्रोसेस रिपीट करते हैं। सुबह 4 बजे उठो, पढ़ाई करने बैठ जाओ, आधी घंटे की भी नींद आती है तो नींद को भगाओ, क्योंकि ये सोचते अपन तब कि बस ये कुछ दिनों की बात है, अगर ये कुछ दिन खींच लिए तो फिर आगे चल के तो फिर अपन पास ही पास है, फिर ये सब मेहनत अपन को इतनी ज़्यादा नहीं दिखेगी, क्योंकि यार अपन इतने इंटेलिजेंट नहीं, अपन को एटलीस्ट 2-4 बार तो रिविजन चाहिए ही होती, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि अपन एक एवरेज स्टूडेंट है, अपन को इतना टाइम लगेगा ही ये चीज़ के लिए। तो इतनी मेहनत करने के बाद 2 महीने रोज़ सुबह लगातार 4 बजे उठने के बाद, पूरा दिन पढ़ाई करने के बाद, सोशल मीडिया अनइंस्टॉल करने के बाद, जितने सैक्रिफाइसेस हो सकते हैं, जो पॉसिबल है एक टीनेजर एवरेज स्टूडेंट को करने के लिए, वो सब कुछ करने के बाद रिजल्ट आता है ये। 2 ग्रुप्स अपन ने दिए थे, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट ग्रुप और थर्ड ग्रुप। एक ग्रुप रह गया 4 मार्क्स से और दूसरा ग्रुप रह गया 6 मार्क्स से। जब रिजल्ट सामने फ्लैश हुआ, आई वॉज टोटली ब्लैंक, लिटरली ब्लैंक। बस सिर पकड़ कर मैं बस रिजल्ट के तरफ देख रही थी। मम्मी पापा के एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई थे, क्योंकि उनको ऐसे लगा कि यार जब हमारी बच्ची ने आज तक इतनी मेहनत नहीं की है, अभी इतनी मेहनत कर रही है, तो फॉर श्योर पास ही हो जाना चाहिए था। अब उन्हें भी क्या बताऊँ ना कि मेरी 4 मार्क की मेहनत कम पड़ गई।
क्या आप सोच सकते हो, वो जो 4 बजे सुबह उठने का सिलसिला था, इतनी सारी चीज़ें सैक्रिफाइस करने का सिलसिला था, ये सब कुछ क्या हुआ, वेस्ट ऐसे लग रहा था, ऐसी फीलिंग आ रही थी तब। बहुत ही बुरी फीलिंग होती है फेल होना, जब हम फेल हो रहे होते स्पेशली तब। और ये मैं जानती हूँ, बस ऐसे लगा कि क्या करें। मुझे ऐसे लगा कि अगर मैं फेल हो सकती हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो फेल होते हैं। और जब मैंने मेरी फर्स्ट पोएम डाली थी तो इतने प्यारे प्यारे, इतने सपोर्टिव कमेंट्स थे, ऐसे लगा कि मैं अकेले नहीं हूँ यहाँ, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ। मुझे ऐसे लगता है कि हर स्टूडेंट ये वाले फेलियर से कहीं ना कहीं, कभी ना कभी जाता ही है। और इसे दबाने की जगह मुझे हाईलाइट करना चाहिए, मेरे फेलियर्स पे अशेम होने की जगह मुझे मेरे फेलियर्स शेयर करने चाहिए। हो सकता है कि कोई स्टूडेंट्स को इससे मोटिवेशन मिले, या फिर एटलीस्ट इतना तो भी मिले कि ठीक है भाई, इसमें भी फेल होते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अब 10% रिजल्ट आएगा, 8% रिजल्ट आएगा, तो बाकी के जो 90% स्टूडेंट्स हैं वो तो फेल हुए ही ना। 4 दिन आई वॉज अ बिट अपसेट, लेकिन 5th डे से आई अगेन Got back up, started studying again. जानती हूँ कि वही की वही बुक्स फिर से पढ़ना क्या होता है, जब हाईलाइट की होती है हर एक लाइन, उसे वापस देखना कैसा होता है, जब अपने वहाँ लिखा होता है कि ये इम्पोर्टेंट, ये एग्जाम में आ सकता है, उसे वापस पढ़ना कैसा होता है। तब फिर से ऐसे लगता था कि अब फिर से 4 बजे उठो, और यार यहाँ पर तो कोई होप है नहीं ना कि नहीं नहीं पक्का अपन इस बार तो पास हो ही जाएंगे। विद जीरो एक्सपेक्टेशंस इन रिटर्न, वो मेहनत करना फिर से चालू करना पड़ता है। सो हियर द हार्ड वर्क इज गारंटीड, बट द सक्सेस इज नॉट गारंटीड। जो रिस्क हमें लेकर चलना ही पड़ता है, बट क्या उससे हम हमारा हार्ड वर्क कम कर सकते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। अगर लास्ट अटेम्प्ट में मैं सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करती थी और आधी घंटे का ब्रेक लेती थी, तो इस बार वो आधी घंटा भी स्किप करना है, इस बार वो सारी चीज़ें भी कवर करनी है जो इसके पहले छोड़ दी थी, इस बार वो सारे अमेंडमेंट्स फिर से देखने हैं इसके साथ कि अब कोई अमेंडमेंट छूट ना जाए। बस वही मेहनत करते गए करते गए करते गए, और रिजल्ट ये रहा आपके सामने। ठान तो लिया ही था कि अगर 4 मार्क से फेल हुए हैं तो बस 4 मार्क ज्यादा चाहिए है। आए 4 मार्क ज्यादा, हुए अपन पास। अब जब फर्स्ट और थर्ड ग्रुप क्लियर हो चुका था तो पता था कि सिर्फ एक ग्रुप बचा है, सेकंड ग्रुप, क्योंकि सीएस प्रोफेशनल में टोटल 3 ग्रुप्स रहते हैं, तो अब बस सेकंड ग्रुप बचा था। लेकिन अपना डिसाइडेड था कि जितनी मेहनत करनी है बस यही बार करनी है, अपन को पता है कि अपन ने कितना रिग्रेट किया है। तो यस एब्सोल्युटली 10 आवर्स ऑफ स्टडीज प्लस साथ साथ में नो सोशल मीडिया, नो यूट्यूब। कैन यू इमेजिन, यूट्यूब पर मैंने एक पोस्ट किया था तब कि आई एम टेकिंग अ ब्रेक क्योंकि मेरी एग्जाम्स पास में आ रही है, विश मी लक और ऐसा सब, कि मैं एक्टिव नहीं रहूँगी। एंड यू गाइज वर सो सपोर्टिव, सो सपोर्टिव। कभी कभी ना बस ऐसे लगता है कि अगर पास हुई हूँ ना तो क्योंकि आपकी दुआएं थी इसीलिए पास हुई थी, बस ऐसा लगता है यार। तो जैसे ही अपनी एग्जाम्स ख़त्म हुई, अपन को ऐसा हिंट आ गया था कि हो सकता है देर आर चांसेस कि अपन पास हो जाए। लेकिन फिर तो भगवान भरोसे होते हैं, वो 2 महीने कैसे गए हैं मुझे ही पता है। लेकिन हुआ यूं कि जब रिजल्ट आने वाला था तो मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी थी, एकदम ही ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड, जो मेरे साथ सीए पढ़ रही थी उसकी शादी थी। अब उसकी शादी तो मैं मिस कर नहीं सकती हूँ जस्ट बिकॉज मेरा रिजल्ट आने वाला है। तो अपन गए, अपन को पहले से पता था कि अपना रिजल्ट 25th of February को आने वाला है। सुबह फंक्शन था, और मेरी तो मतलब बैंड बज चुकी थी अगर आपको बताऊँ तो। यू गाइस रिजल्ट वाला दिन, और फिर 11 बजे अगर रिजल्ट आने वाला है तो 10 बजे से ही ना पेट में ऐसा लगी गुड़गुड़ शुरू हो जाता है, थोड़ी एंजाइटी होने लग जाती है, हाथ ऐसे स्वेटी होने लग जाते हैं। अब 11 बजे रिजल्ट आने वाला है तो 10:59 को तो अपन रोल नंबर डाल के रेडी भी रह जाते हैं। फिर अपन ने सबमिट पे क्लिक किया और फिर पेज इनवैलिड। मैंने बोला भाई साहब, फिर से रिफ्रेश किया वो पेज को, वहाँ पर नेटवर्क इश्यूज होने लगे, आई डोंट नो हाउ। फिर से अपन ने वो पेज को रिफ्रेश किया, फिर से नंबर देखा, नंबर डाला,
बस धक 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 यही चल रहा था। क्यों गाइस, वो 4-5 नंबर डालने तक, वो सबमिट प्रेस करने तक, जब तक वो पूरा का पूरा मार्कशीट आपके सामने नहीं आ जाता, वो फीलिंग ना यहाँ देखा ना वहाँ देखा, कितने मार्क्स मिले ये तो मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा, सिर्फ ये देखा कि रिजल्ट पास है या फेल है, और रिजल्ट पास था। बस नहीं मैटर करता कि कितने मार्क्स है, नहीं मैटर करता मेरे लिए, बस वो 4 वर्ड्स जो मैंने देखे, वो 4 अल्फाबेट्स जो मैंने देखे, PASS, I was just blank again। जब फेल हुई थी तब भी ब्लैंक थी, लेकिन इस बार शॉक वाली ब्लैंक थी, इस बार हैप्पी वाली ब्लैंक थी, रोने लग गई थी, क्योंकि पता था अपन ने बहुत मेहनत की, लेकिन मेहनत के साथ साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो लक फैक्टर भी होता है ना यार, और इस बार अपना लक चल गया, अपनी मेहनत चल गई। अगर अपना हार्डवर्क गारंटीड था तो सक्सेस भी गारंटीड मिल गया। मम्मी पापा तो थे नहीं वो वाले टाइम, अगर होते तो मैं उनको हग कर लेती, उनको वीडियो कॉल किया, उन्होंने भी रिजल्ट देखा, और मम्मी और मेरी छोटी बहन रोने लग गए थे, वीडियो कॉल पे रोने लग गए थे। मैं तो रेडी थी, मेरी फ्रेंड का हल्दी का फंक्शन चल रहा था, तो मैं येलो में एकदम रेडी थी, मेरी मम्मा ने जो ज्वेलरी बनाई थी वो पहनी थी मैंने, आई वॉज ऑल रेडी, ऑल टिप टॉप। लेकिन जब उनको बताया कि मैं पास हो चुकी हूँ, दोनों के दोनों, यार माँ तो आखिर माँ होती है, वो अपने इमोशंस तो छुपा सकती है नहीं। उसके नेक्स्ट डे ही मैं गई नागपुर, जो मेरी मैम थी वही तब प्रेसिडेंट थी नागपुर चैप्टर के, तो उन्होंने मुझे तभी फ़ोन पर कह दिया था रिजल्ट वाले दिन कि पार्श्वी घर जाने से पहले नागपुर आ जाओ, ट्रॉफी लो, ट्रॉफी लेकर अगर घर जाओगे तो मम्मी पापा को और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अपन ने बस वही किया, ट्रॉफी लेकर अपन डायरेक्टली अपने होम टाउन आ गए वापस। जब मैं घर के अंदर आई, पूरा एक फेस्टिवल था, एक सेलिब्रेशन था, जिसमें खुशी शायद अपन को भी ना होना, उससे कई ज़्यादा खुशी अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को होती है। तो देखा CS पार्श्वी पारेख नाम का केक, कुछ पिक्चर्स आप यहाँ पर भी देख सकते हो। जब ये वाली फीलिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, एक अलग ही एहसास हो रहा है, और मुझे चाहिए ये एहसास जल्दी से आप भी आपके लाइफ में फील करो। तो क्या उसके लिए सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे दीदी? जी हाँ, थोड़े बहुत तो करने ही पड़ेंगे। क्या उसके लिए हमें भी दिन रात एक करना पड़ेगा? शायद नहीं, अगर आप इंटेलिजेंट हो तो, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस यस। जब सेकेंड ग्रुप की पढ़ाई चल रही थी, तो फिर मैंने सोचा था कि जब मैं CS बन जाऊंगी तो मैं इस तरीके से अपना स्पीच दूंगी कि मैं मेरा सारा श्रेय, सारा क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को देना चाहती हूँ, मेरे जो यूट्यूब फ्रेंड्स हैं उनको देना चाहती हूँ, जो मेरी जर्नी फॉलो करते हैं उनको देना चाहती हूँ। ऐसे सब लोग हम एक स्पीच देख कर रखते ना कि जब अपन CS बन जाएंगे तो अपन को जब डाइस पे बुलाया जाएगा, अपना फेलिसिटेशन होगा, तो ऐसा सब करूँगी। वैसे ये सब करने का चांस तो नहीं मिला इतना, लेकिन मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि अगर आप कोई लक्ष्य के लिए पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट अभी से ही फील करना शुरू कर दो। खुद को मिरर के सामने खड़ा करो और ऐसे प्रिटेंड करो कि आप ऑलरेडी वो बन चुके हो। वो जो फीलिंग आएगी ना आपको जब आप आपकी स्पीच दे रहे होगे, इट वुड बी क्लास अपार्ट। मतलब आपको ऐसे लगेगा कि यार अपन तो बन ही गए हैं, और तब आपको और भी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा वो चीज़ को, वो लक्ष्य तक पहुँचने के लिए। एक बार आपकी बड़ी बहन ने आपको ये कहा है तो कर ज़रूर देख ही लेना। मेरी जर्नी में तो आप साथ थे मेरे, अपनी जर्नी में मुझे साथ रखोगे ना? मुझे CS बनते देख लिया आपने, खुद CS जल्द बन के दिखाओगे ना? जो भी आपका लक्ष्य हो, जो भी प्रीफिक्स पाने के लिए आप मेहनत कर रहे हो, जैसे CS बनने से पहले ही मैं खुद को CS पार्श्वी पारेख बुलाया करती थी, तो कमेंट डाउन बिलो जो भी आपका नाम है और जो भी आपका प्रीफिक्स है उसके साथ, मुझे पूरा सुनना है। मैं CS पार्श्वी पारेख, और ये थी मेरी कहानी। थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग माई जर्नी। प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड कॉमेंट डाउन बिलो अगर आपको ये जर्नी पसंद आई होगी तो। बाय बाय, आउट जाओ।